शाक्स, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, इस गर्मी से सबके हाल बेहाल हो जाता है। जब भी गर्मी बढ़ती है एक सॉल्यूशन जरूर सबके दिमाग में आता है, बस एसी चालू कर दो। क्या शाक्स, लेकिन आपको ये पता है कि ये एसी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है? ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ते ही जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में 16% एमिशन सिर्फ एयर कंडीशनर्स की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तो एक अलग ही कहानी है। हम सब तो भर ही रहे और आप भी भर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा है एक मटके में। हम इंडियंस हजारों सालों से मिट्टी के मटके इस्तेमाल करके पानी को ठंडा रख रहे हैं। जब हम पानी ठंडा रख सकते हैं तो हवा को क्यों नहीं? इसी कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया है कूलैंड। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मोनीश और मैं कूलैंड को फाउंडर हूं। मैं खुद एक आर्किटेक्ट और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हूं। कूलैंड एक नेचुरल और बायोमिमेटिक कूलिंग सॉल्यूशन जिसे हम बिल्डिंग्स के फसाड्स यानी बाहरी दीवारों पर लगा सकते हैं, जो एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है, जिसे हम बिल्डिंग्स में 30-70% तक एयर कंडीशनिंग लोड को कम कर सकते हैं, यानी 30-70% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को हम कम कर सकते हैं। हम कूलैंड को घरों में, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में लगा सकते हैं और उनकी नीड्स और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक हम 30 बिल्डिंग्स में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। हम एक ऐसा टूल पे भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल पे, जिससे कोई भी अपना बिल्डिंग का फसाड को लोकल क्लाइमेट, सन एंगल और नेचुरल वेंटिलेशन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जितना भी बिल्डिंग्स बने एक क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बने और हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करें। ये सपना पूरा करने के लिए मेरा आज थे 90 lakhs against 1%। So sharks, let's beat the heat with buildings that breathe. आपने मटकों के जरिए टेम्परेचर कंट्रोल और ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन खोज लिया है। ऐसी ही नायाब चीजों के लिए हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। थोड़ा इस चीज के बारे में बताइए कि कैसे आपने सोचा ऐसा मटकों से टेम्परेचर कम किया जाए। मैं एक फैक्ट्री का डिजाइन कर रहा था जिसमें डीजी सेट, जो डीजल जनरेटर सेट होता है, उससे बहुत ज्यादा गर्म हवा निकलता है। तो उसमें मैं एज एन इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट उसमें काम कर रहा था। तो आई प्रोवाइडेड एन इंस्टॉलेशन जिसमें इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एनीथिंग जो हल्का होता है, जैसे आपके एवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स या जो कसका जो बनते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में मैंने सोचा कि अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर टेराकोटा, जो बहुत ही रोबस्ट है और इसकी जो टेम्परेचर रेजिलियंस से अप टू 800 degrees, अगर ये यूज किया जाए तो वो जो गर्मी बाहर निकले उसको हम रोक सकते हैं और उसको हम ठंडा भी कर सकते हैं। कहाँ से किया आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई? मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से किया। तो अच्छी स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। फिर आपने काम किया एज एन आर्किटेक्ट? यस। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 4 years आई वर्क्ड एज एन आर्किटेक्ट इन अ फर्म। और फिर अपनी प्रैक्टिस कब शुरू की? 2014 आफ्टर 4 years। इसकी पैदाइश कब हुई कूलैंड? In 2015, I had gone for PG diploma in robotic fabrication. उससे पहले ही मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया था in a factory. So I came back after 1.5 years and 2 years to see, was तब भी काम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या इसको और लोगों को दिखाकर I can actually pitch for more work. रेगिस्तान में जो घर होते हैं हजारों साल से, उनमें भी कुछ ऐसी कूलिंग की कॉन्सेप्ट होती है ना? Absolutely. What is that exactly? और क्या इससे रिलेटेड है वो? जितना भी राजस्थान में जितना भी घर है, हवेलीज या फिर हमने फोर्ट्स में हमने देखा है, हवा महल बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। जितना भी जाले होते हैं तो काफी इंटेंस और छोटे छोटे पंक्चर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपको लाइट को कम करे, हीट को, और हवा जो अंदर से पास होकर आते हो तो इट क्रिएट्स अ कंप्रेशन विच कैन हेल्प इन कूलिंग। और इसके अंदर हमने क्या किया, सेम टेक्नोलॉजी के साथ हमने इवेपोरेटिव कूलिंग ऐड किया, जिससे आपको शेडिंग मिल ही रहा है साथ साथ आपको कूलिंग भी मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो कॉन्सेप्चुअली वही बात, एब्सोल्युटली सेम। ये जो सिस्टम्स है, दिस इज पैसिव डिजाइन। यू आर यूजिंग द बिल्डिंग आर्किटेक्चर, थर्मल कंफर्ट और एक कंफर्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। दिस इज हाउ बिल्डिंग शुड बी। तो आज एग्जिस्टिंग जो 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, आप उस पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अभी भी ओल्ड फैशन घर टाइल्स के जो रूफ होते हैं, yes. वो भी इसी मटेरियल के होते हैं, राइट? फॉर द सेम रीजन। एब्सोल्युटली। आपका ये जो नाम है कूलैंड बड़ा सॉलिड है, पर आपने कूल एंट बोलते हो आप उसको? यस, कूल एंट। और वो एंट आपका मैस्कॉट है? एंट्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट क्रिएचर्स है एनवायरनमेंट में। अपना जितना भी जो एंट हिल्स बनते हैं ना, दे आर थर्मली सॉलिड, कूल होता है, आर्किटेक्चरल मार्वल है। एक्चुअली बहुत स्मार्ट चॉइस है, हां। एंड दे आर सिनोनिमस फॉर टीम वर्क एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस, स्पेशली टीम वर्क। तो बट आपके कोई बिल्डिंग्स का कोई एग्जांपल्स या कोई डिजाइंस कोई दिखाओगे कुछ है तो? यस, दिस इज अ बिल्डिंग, एक मॉडर्न बिल्डिंग है। ये ज्यादा आउटडोर के इंडोर है? दिस इज फॉर आउटडोर, मोर आउटडोर। यस, सो रेगुलर जो बिल्डिंग होता है आपका, इट इज मेड लाइक दिस, जिसमें एयर कंडीशनिंग या वेंटिलेशन के बारे में सोचते नहीं है। ये चार स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ शेडिंग डिवाइस। सेकेंडली, इसकी जो स्पेसिंग है, वी कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द सन एंगल एंड ओरिएंटेशन। एंड थर्ड, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज इवेपोरेटिव कूलिंग। इसके साथ अगर हम पानी ऐड करें, विच इज अ ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो भी हवा इसके अंदर से जाके बाहर निकलेगा तो ऑटो नेचुरली आपको ठंडा मिलेगा। एक बार पानी चला के दिखाएंगे कैसा इसमें रहता है? यस,
ये वाटर जब गिरता है इसके ऊपर, दिस गेट्स वेट एंड टेराकोटा पानी को अब्सॉर्ब करता है. सो वाटर को आपको रेगुलरली चलाने की जरूरत नहीं. प्लस गीली मिट्टी की खुशबू आएगी. Yes. वो तो आ ही रही है थोड़ी थोड़ी. ये आप मैनुअली मूव करेंगे कि ऑटोमेटिक? नो, ये क्लाइमेट और लोकल एंगल के हिसाब से एक बार सेट कर लेते हैं. एक बार सेट कर लेते हैं. एंड बट ये प्रोजेक्ट में क्लाइंट आल्सो वांटेड टू मूव इट. इट्स पॉसिबल, इट्स मोर एक्सपेंसिव. बिल्डिंग का फसाद ऐसे रहे. Yes. आपके पास फोटोज भी है ना? और yes. दिखाइए. सो दिस इज सम वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट एंड स्टूडियो. ये आपका खुद ही का स्टूडियो है? Yes. कितना लोकल टेम्परेचर्स इन पीक समर्स एक्सीड 50 डिग्रीज. इससे हमने वी गॉट इट डाउन टू मिड 30s. बट आई कैन नॉट जनरलाइज दिस बिकॉज 40 से 25 तक नहीं ला सकता. 50 से इजीली आई कैन ब्रिंग इट डाउन टू 32-33. आपने अपनी पिच में क्लेम किया था कि 30-70% एनर्जी सेव हो सकती है ऐसे इंस्टॉलेशन लगा के. तो ये क्लेम आप कैसे वैलिडेट करते हैं और आपने कैसे इंश्योर किया है कि आपकी जो स्टडीज हो रही हैं वो यू नो ऑब्जेक्टिव स्टडीज है? सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स एंड हमने एनर्जी मॉडलिंग किया है, सिमुलेशंस एंड आल्सो बिल्डिंग्स टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस. लीड का सारी बिल्डिंग्स को सर्टिफिकेशन मिलता है ग्रीन बिल्डिंग का? यस. Yes. आपको वो सर्टिफिकेशन मिला है कि आपका अगर प्रोडक्ट लगाएंगे तो ग्रीन? डज इट क्वालिफाई? करेंटली वी आर अंडरगोइंग लैब टेस्टिंग फॉर दिस. वी ऑलरेडी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस राइट नाउ. जैसे वो टेस्ट का रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वी विल बी एनरोल्ड इन IGBC एज अ ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल. तो अभी तक वो नहीं मिला? अभी है. तक इट्स ऑनगोइंग राइट नाउ. आपने जो अभी 30 बिल्डिंग्स किए हैं, क्या वहां पे ये कमर्शियली प्रूवन है कि 30-70% का सेविंग आया है उन्हें? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट दैट वी हैव डन फॉर आर्मी कमांडर्स मेस इन आर्मी. अच्छा. एक पूरा फ्लोर पे वी हैव इंस्टॉल्ड दिस इन अ स्पेस ऑफ 2500 स्क्वायर फीट जहां पर हमने इसको इंप्लीमेंट किया है. पूरा स्पेस को हमने थर्मल कंफर्ट एनालाइज करके वी हैड कन्वर्टेड दैट इनटू नेचुरल वेंटिलेशन. उसमें कोई एसी नहीं है. और ये ऑलरेडी उन्होंने देखा है कि जो एयर कंडीशनिंग का खर्चा था वो 30% से कम हो गया. 30% नहीं, लाइक 70%. इसमें आपका अपना क्या है? ये तो अगर जैसे आज टीवी पे आ गया, देख लिया, मिट्टी के जो बनाने वाले लोग हैं वो देख सकते हैं कि ये कैसे होता है. ये जो मिट्टी का जो पॉट्स है ना, ये हमारा सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्रोडक्ट है. इसको हमने ओपन सोर्स कर दिया है. आई हैव शेयर्ड ऑल द मटेरियल ऑनलाइन क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको और लोकली बनाए और इसको कॉपी करें और इसको हर जगह पे यूज करें. अच्छा. तो मुनीश, आप बिजनेस कैसे करोगे? जैसे आगे की अगर हम सोचें, yes. आप अपने बिजनेस को कैसे देखते हो? इज इट अ प्रोडक्ट और इज इट अ सर्विस? इट इज अ प्रोडक्ट. ओके, प्लस वी कैन ऑल्सो कंबाइन अ सर्विस विद इट एज अ टूल so that we can reach the masses. नहीं, आप कर सकते हो. मैं yes. ये सोच, फोकस क्या है? आप करना क्या चाहते हो? There are two things that are there in this. That installation, जो मिट्टी का जो बीच वाला पॉटर्स, बीच वाला जो है, जो मिट्टी का पॉटर्स बनाते हैं, लोकली बन सकता है ये चीज. हम चाहते हैं कि मैं, इट्स स्टुपिडिटी कि मैं दिल्ली में बनाऊं और उसको मैं पुणे भेजूं. ठीक है. इट डजंट मेक एनी सेंस. तो हमने क्या किया कि आपको इनको इन्फॉर्मेशन देके बोला कि आप बना दो, यू पे व्हाटएवर यू लाइक. ऐसा करते हुए हमने मेक्सिको में भी इसको बनाया. अच्छा. शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन. ये आपने ओपन सोर्स कर दिया, हो गया वो? ठीक है, डन. सेकंड इंस्टॉलेशन है, दिस इज डेवलप्ड यूजिंग CFD एंड एरोडायनामिक. जिसका इसका जो शेप है, जो एरोफॉइल्स का, दिस इज नॉट समथिंग पीपल कैन कस्टमाइज. उसमें और इसमें फर्क ये है, उसके ऊपर पानी जो है ऊपर से गिर रहा है. एरोफॉइल्स में फर्क ये है कि पानी जो है इट्स इनसाइड द सिस्टम. इसके अंदर पानी जो, देयर इज अ कैप्सूल इन दिस जिसके अंदर पानी रहता है. Water is not flowing outside. और इसको रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं कर सकता है कोई? The manufacturing of this is very complicated. तो आप खुद manufacture करते हैं? Yes, we in this contract. तो your business model, just if I can summarize, आपको ये वाला foil वाला जो building envelope है, इसको modularize करके बेचना है. Exactly. Got it. Thank you. तो मोनीश, पहली बात तो आपकी पिच फिनोमिनल थी. आपने जो हुक डाला था पिच में नंबर्स वाला 30-70%, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर जो लोग आके पिच करते हैं क्योंकि इट इज क्लियरली अपनी प्रोडक्ट का USP नंबर के थ्रू एक्सप्रेस किया आपने. सेकंड, मुझे आपका आइडिया ऑफ ओपन सोर्सिंग, जो आपका मोस्ट अनप्रोडक्टिव बिजनेस लाइन है, बहुत अच्छा लगा. बिकॉज अगर आप अर्दीनेस को कूल बनाएंगे एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स में लोग ये लगाने लगेंगे तो आपका ही फ्यूचर बिजनेस जो है वो बढ़ेगा. कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू. मेरे लिए ये अभी इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस है इसमें आपका प्राइमरी लॉन्ग टर्म में बायर होगा बिल्डर, एंड वो बिल्डर सेलिंग वाली जो सेल्स फनल होती है उसमें 60-90 डेज की क्रेडिट साइकिल होती है, रिकवरी इश्यूज होते हैं एटलीस्ट इंडिया में. तो एज ऑफ नाउ वैसे बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट करने वाली रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ. तो आज मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी, बट लव द वर्क दैट यू डूइंग. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थोड़ा बिजनेस समझे आपका? यस. ओके, व्हाट इज योर सेल्स दिस ईयर? सिंस अप्रैल वी हैव मेड अ बिजनेस ऑफ 1.1 CR का ग्रॉस रेवेन्यू. नेट रेवेन्यू?
84 lakhs. और कितना क्लोज करोगे आप? 2 crore. और उसमें प्रॉफिट कितना बनेगा आपका? राइट नाउ वी आर नॉट प्रॉफिटेबल. बर्न कितना इस साल का आपका एक्सपेक्टेड? अराउंड 20 लाख इज दी द बर्न रेट दैट गोस इनटू द सैलरीज एंड. कौन फाइनेंस कर रहा है इसको? मायसेल्फ. आई एम एन आर्किटेक्ट, आई हैव एन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस. तो वो अलग फर्म है? यस. और ये कंपनी अलग? कंप्लीट. और आप इन्वेस्टमेंट इसमें ले रहे हो? यस. और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखो? अभी तो यस, डेफिनेटली राइट. 90 crore क्यों वैल्यूएशन मांगा है आप? 2 crore भी सेल्स नहीं है तो इट डजंट मैच. सो दिस वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर विद द सेल्स. यूजुअली सेल्स का 3 या 5 गुना इज द अपर लिमिट. वी हैव अबाउट हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज व्हिच वी आर नॉट एबल टू फुलफिल राइट नाउ. ऑर्डर बुक है आपके पास? हां, आपने क्वांटिफाई किया होगा ना कितने करोड़ के इंक्वायरीज है इन द नेक्स्ट 1 year. अराउंड 2.8 का ऑलरेडी वी हैव इट ऑन द टेबल. सी, आई विल टेल यू क्या इशू है. आई एम आउट फॉर 2 reasons. फर्स्ट रीजन आई एम आउट इज ये, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप 2 crore का सेल्स है, 3 crore का ऑर्डर बुक है आपके पास, 5 crore बेस्ट केस सिनेरियो पे आप 90 crore वैल्यूएशन जब लेके आते हैं ना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. आपको तो पता है हम एक फाउंडर पे बैठे हैं, आपकी थिंकिंग ही इतनी इलॉजिकल है. सो दैट उससे ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है. सेकेंडली, ये ओपन सोर्सिंग के मैं खिलाफ हूँ, बिकॉज हमारा जो एक पूरा थिंकिंग अराउंड स्केल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी चेक्स. तो जब आप ओपन सोर्सिंग करते हैं तो वो लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी चेक्स पे मुझे भरोसा नहीं होता है. सो टुडे आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट. मुझे क्या लग रहा है ना मुनीश, आपका एक प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना आगे के काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो कोई भी तरीके से इसको अंडरराइट करना बहुत मुश्किल है. अभी तक वो बात नहीं है कि आप मॉड्यूलराइज हो गए हो, सर्विस बिजनेसेस अदर आर्किटेक्चर फर्म्स आप पे ऑर्डर डाल रहे हैं और आप ऑर्डर बुक बना रहे हो, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अंडरराइट करने के लिए. इस वजह से मैं आउट हूँ. लेकिन एक बात मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आई थिंक यू शुड मर्ज द आर्किटेक्चर फर्म और ये जो आपका अप्रोच है, दोनों को आप अगर अपनी पहचान बनाते हैं इस तरीके से, इस अप्रोच से, तो एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी. उससे आपको वो बिजनेस में ज्यादा काम मिल सकता है. लेकिन अगर आप अलग करना ही चाहते हैं तो इसको पहले थोड़ा स्केल लाइए इन प्रोडक्ट सेल्स, ताकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आए एंड देन रेज कैपिटल. गुड लक. थैंक यू मुनीश भाई. अच्छा है, सही है, आप ये लगा दोगे हर जगह, ठंडा 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 कूल कूल जो बोलते हैं वो होता रहेगा हर जगह. अगर इससे इफेक्टिव होता है तो मैं अपने एडमिन टीम को जरूर बोलूंगा. हमारे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आते हैं, डर लगता है देख के, तो शायद कम हो जाए थोड़े से. बट मेरे को एक्साइटमेंट नहीं आई कैटेगरी में, अनफॉर्चुनेटली. तो मजा नहीं आएगा तो मैं आपके साथ काम ही नहीं कर पाऊंगा, वो सजेशन भी नहीं दे पाऊंगा. और 90 crore वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. मिलते हैं दिल्ली में कभी. अगर आपने मुझे एज अ कस्टमर कन्विंस कर दिया तो एज एन इन्वेस्टर आप कन्विंस कर देंगे. तो थोड़ा सा आपके वापस से उसी आर्मी कमांडर्स की जो एकोमोडेशन का एरिया था उसी पे चलते हैं. कितना निवेश या इन्वेस्टमेंट लगा उस पे? 8 lakhs. और कितना उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल था? 3,000 to 4,000 rupees पर मंथ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है. तो साल का 36,000 बचा, यानी कि लगभग 25 साल लगेगा उनको अपना पे बैक करने के लिए. ये हमने बिल्डिंग फसाड में लगाया, जिसमें जो ऑलरेडी अगर ये नहीं होता तो कोई और फसाड इसमें लगता. द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ दिस अगेंस्ट रेगुलर फसाड इज 10 to 15%. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 8 lakh rupees की तरह नहीं लेना चाहिए उसे, उसे शायद 1.5 lakh के हिसाब से लेना. 1.5 lakh, बिकॉज कोई अगर ये फसाड नहीं होता तो कोई भी आप दूसरा फसाड उसको खाली नहीं छोड़ते. 5 साल इज अ लॉट मोर पैलेटेबल 25 साल से, पर मेरे हिसाब से 5 साल भी ज्यादा है. ये आप क्रैक कर सकते हैं. आपने जो शुरुआत करी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ी समय लगेगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज अ कस्टमर मैं बहुत इंटरेस्टेड था शुरुआत में, पर क्योंकि अभी कमर्शियल नहीं बैठा है तो मैं उस पर थोड़ा समय इंतजार करना चाहूंगा. आप जब आपका ठीक से पे बैक का कैलकुलेशन बन जाए, आप प्लीज वापस से मुझे रीच आउट करिएगा. हम लोग बिल्कुल आपसे मिलेंगे और इसको साथ काम करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल राइट, थैंक यू. गुड लक मुनीश, वेरी नाइस टू मीट यू. गुड लक. थैंक यू. Hello, Sharks. Hi. My name is Trivikram. I'm from Hyderabad. मैं X Machines का founder हूँ. X Machines एक robotics and AI company है, जो Indian agriculture को sustainable practices पे लेके जाने के लिए हम इस company को शुरू किए थे. India ऐसी एक जगह है, which has the potential
टू बिकम द वर्ल्ड्स फूड कैपिटल, क्योंकि हमारे पास अमेजिंग वेदर कंडीशंस है और हमारे पास हजारों सालों का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नोहाव भी है. फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रोकते जा रहे हैं. सो वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज मेकनाइजेशन. अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल इन नेचर. इसका मतलब लेस देन 5 acres ऑफ लैंड होल्डिंग उनके पास होता है. लेकिन मार्केट में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है जैसा ट्रैक्टर्स, वो ज़्यादातर बड़ा फार्म्स को बेटर सूट करते हैं. तो इसलिए हिस्टोरिकली फार्मर्स ज़्यादातर मैन पावर के ऊपर डिपेंड करते थे, क्योंकि मैन पावर अफोर्डेबल और ईजिली अवेलेबल रहता था. बट आजकल वो ना ही अफोर्डेबल है ना ही वो ईजिली अवेलेबल है. इसलिए हमने बनाया X-Machines X100 रोबोट. This is a multi-purpose agricultural robot जो एक माइक्रो ट्रैक्टर के जैसे काम करता है. अलग अलग अटैचमेंट्स लेके अलग अलग काम कर सकता है, जैसे फ्रॉम सीडिंग टिल हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस. और ये प्रोडक्ट AI का इस्तेमाल से केमिकल यूटिलाइजेशन का कमी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी का भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है. और इस प्रोडक्ट को हम सेल्स और रेंटल मॉडल के द्वारा इंडियन फार्मर्स तक लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए हमारा आस्क है 72 lakhs for 4% का इन इक्विटी. आप लोग हैदराबाद से? राइट. हमने पढ़ाई वढ़ाई वहीं से की? नहीं, मैं 12th तक वहाँ पर पढ़ा था. उसके बाद मैं हांगकांग में मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया था. मेकाट्रॉनिक मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. और वहाँ से फिर क्या किया? मैं अराउंड 2-2.5 years टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किए थे. तो आपने जो काम किया था इससे रिलेटेड नहीं था वो? No, our families come from farming families. Achha. My grandmother still goes to the farm every single day. Which part of the country? Visakhapatnam. Achha. It's near Vizag. And in Hong Kong, did you have a scholarship? Jo university? I did. Jo course tha, wo mujhe bahut interesting laga. Aur kab aaye wapas wahan se? 2016. Vikram, very good looking product. Aapne kaafi automated, interesting product banaya hai, and aisi technology banana बहुत मुश्किल है ये. इनफैक्ट वो टेस्ला के साइबर ट्रक्स का याद दिला रहे हैं, ये वाले जो ब्लैक मैट वाले. टेस्ला से तो इंस्पायर्ड है, नाम भी X-Machines है. X-Machines, हाँ, थोड़ी आपके रोल मॉडल है क्या? एक्चुअली 2017 में जो डिजाइन हमने बनाया था वो एक्सट्रीम राइट वाला. वी डिड इट इन 2017 बिफोर द साइबर ट्रक. इवन बिफोर साइबर ट्रक ही स्टोल योर डिजाइन. तो आपने बिजनेस शुरू कौन से साल से किया? वी स्टार्टेड इन 2017. ज्यादा तक R&D के ऊपर ही था हम, बिकॉज़ रोबोटिक्स इज हार्ड. Robotics in outdoor environment is extra hard, so we had to spend lot of time, lot of refinements into getting it. Karta kya hai machine? This we call it a micro tractor. Ye electric hota hai. Ye wala jo hai. Any of those things. Aapki company X-Machine micro tractors banati hai. Hamare X-Machines robotics and AI ke upar kaam karta hai. जो अभी माइक्रो ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किए थे. ठीक. अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो एक जुगाड़ू कमलेश करके एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर आए थे. तो वो बेसिकली जो मैकेनिकल प्रोडक्ट उसका आप एक ऑटोमेटेड वर्जन जिसको इस्तेमाल करके आप सीडिंग टिल हार्वेस्टिंग कर सकते हो. Got it. Few of those are still under development, but that is the fundamental idea. Let's start from journey of the farmer. पहले काम होगा वो plowing करने का. Either they use cattle or they loan a tractor. तो plowing में इसका कोई role नहीं? No. Okay. This is post plowing. Post plowing. Okay. Post that, the activities that starts with is either seeding or sapling plantation. So the one on the extreme left to you is a seeding attachment that okay. gets latched onto the back of the product. इसमें दो तरीके का operations होगा. एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने वाला, एक फुली ऑटोनोमस. फुली ऑटोनोमस होगा, GPS के द्वारा काम करते हैं. एक बार फार्म का मैपिंग एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद ये खुद ऑटोनोमसली चल पाएगा. एंड फॉर एग्जांपल अ फार्मर इज गोइंग विद अ फुली ऑटोनोमस सॉल्यूशन, तब क्या होगा, सीड डालेगा एंड ऑन द ऐप विच इज करेंटली वेरी क्लोज टू डिप्लॉयमेंट, उसके अंदर स्पेसिंग मेंशन करेगा कि सीड टू सीड दूरी क्या होना चाहिए, रो टू रो स्पेसिंग क्या होना चाहिए, एंड ही हिट्स गो एंड इट इज गोइंग टू ऑटोनोमसली नेविगेट, take a turn, come back, again take a turn, come back and do the plantation job. Achis. उसके बाद weed control job activity आएगा. So weed control attachment इसके ऊपर डालने के बाद समझो कि autonomous solution है. So in between the rows itself it goes. And one primary advantage for this product is it's very compact. So in terms of width it's about 42 centimeter wide and it weighs about 80 kilograms. And the idea is that this should be able to enter the field
even after the plants have grown to its full capacity, which you cannot do with the existing equipment. Very interesting. So this is one, we call it a rotavator. Iska kaam hai, ye isi size ka hai kya? Bada lag raha. This is the X100. Actually, three sizes hai, ma'am. The smallest, the mid, and the large. Depending on the farmer's requirement and his spacing and what kind of capacity he's looking for, he can choose either of them. What you're seeing is the smallest one. This looks so cool, huh? Wow. Amazing. Ma'am, thank you. So, its job is to dig till about 3 inches deep into the ground and uproot weeds in the process. That is one kind of weed control. And there are other kinds of weed control attachments. And what attachments bhi aapne banaya? Yes, ma'am. Everything. Aapko jo grass cutter wala attachment hai, that is designed to just trim the grass. Wo orchards mein acha utilization ho. The next thing is a weed control via herbicide application. So what it does, it identifies the location of the weed, it distinguishes between the weed and the plant, and only sprays chemical on the identified weed. The yellow dubbers are the weeds. You'll see sometimes green, which is for the plant itself. So typically, instead of doing it all across the farm, wasting a lot of chemical, polluting the soil, here you can just target selectively it, spray. Target it. Right. So just targeted spray of herbicide, volume kam ho jata. Very nice. Solid, bro. Aur koi? Aur aapko sprayer wala dikhata. So what happens is, insects are always hiding at the lower part of the plant and they hide beneath the leaf. Bilkul. Upar upar se karne se wo utna effective nahi hoga. So with this, what you can do, you can actually swing in such a way that with the flow, chemical niche tak ghus paye. आपने तो पूरा वेपन बना दिया मैं। इसके ऊपर प्लस प्लस क्या है? क्या करें? इसका सॉफ्टवेयर है एंड जो आप फील्ड पे नॉन स्टॉप सन एंड रेन में काम करना चाहिए और जो कैपेसिटी लेट्स से लिक्विड और फर्टिलाइजर बॉक्स ये पकड़ के नॉन स्टॉप 8 आवर्स चलना चाहिए रेन को ये इट हैज टू सस्टेन दैट द डस्ट इट हैज टू सस्टेन दैट एंड इट हैज टू लास्ट फॉर 7 इयर्स रगेड एंड इंटेलिजेंट रोटोवेटर लाइक एनी सिंपल काइंड ऑफ बैकपैक थिंग्स लाइक दैट बट व्हाट हैपेंस इज दे इंड्यूस लॉट ऑफ फटीग ऑन द ऑपरेटर ओके वो एक दिन काम कर लिया तो अगले दिन आने के लिए तो आपने ये वैसे मशीन्स कहाँ यूज़ करके देखी हैं? I tested it in farmers who grows chilies, who grows tomatoes, who grows tobacco, who grows mango, yeah. sweet orange and all of those things. For whom there is a requirement for something like this. We tested in AP, Telangana, sometimes Haryana. Now some pilot is happening in Rajasthan also. And results? Everybody likes it. तो कितने बेचे हैं आपने? Ma'am, that's a good point. We are yet to enter the market. अभी आपका विजन है पहले आपने 100 करा फिर X100 अल्ट्रा करोगे फिर X100 मैक्स अभी ये सब माइंड में है अभी तक कुछ ना कुछ सी X100 इज रेडी X100 अल्ट्रा इज आल्सो रेडी X100 मैक्स वी आर करंटली मैन्युफैक्चरिंग इट बट फंडामेंटली आर्किटेक्चर वाइज नथिंग डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाइज इज आल्सो नथिंग पेलोड पेलोड डिफरेंस है पेलोड डिफरेंस है और मैन्युफैक्चर कहां करते हो आप ये अभी हम लोकल वेंडर्स चुने थे We design everything. We split the designs, give it to multiple people. We have it manufactured. We assemble it in-house. Assembly आप in-house करते हैं? In-house करते हैं. इसका price कितना होगा? Ma'am, three products. It starts from 1.96 lakh. Wow. It ends at 4.5 lakh. Wow. And कितने साल चलेगा आपको लगेगा? Ma'am, 7 years is what we say. Warranty. But even post that, we can prolong the utility. But we hope by then they'll upgrade to the most latest one. और आपका average ASP आप कितना? 3.35 आता है. और 3 लाख में ये आता है कि with attachments आता है? Any one attachment. After that they are very nominally priced. 22 to 75K के बीच में होता है, depending on the value that it is delivering. Actual tractors जो होते हैं बाकी companies की वो किस price की होती? See 3.5 lakh to you can go till 9 lakh rupee. आपने farmers से बात करी है? सर ये खरीदेंगे ये चीज फार्मर से बिना बात किए हुए एक लाइन भी ड्रॉ नहीं किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली ऑन वी नो ये कोई खरीदने वाला नहीं ये रेंटल पे चलेगा बट खरीदने वाला भी है वी मेड सम यूट्यूब वीडियो फॉर सम अदर चैनल एंड दैट गॉट अबाउट 3 मिलियन व्यूज अबाउट 1000 कस्टमर कॉल्स 200 पीपल आर विलिंग टू पे एडवांस राइट देन
आपका क्या है जी इस पे लॉन्ग टर्म विजन? क्या सिर्फ भारत में ये करना चाहते हैं, ग्लोबली करना चाहते हैं, क्या सोचा आपने? We are receiving quite a lot of international orders. Orders या inquiries? Inquiries which are going to convert into orders. वो लोग inquiries यूरोप वाली companies हजारों पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं भेज रहे? मैम मुझे पता नहीं why they are reaching us, but there is a strong pull for this product. लेकिन 70 लाख से क्या होगा आपका? इतना कैपिटल इंटेंसिव है, क्या करेंगे 70 लाख से क्या होगा? हम एक फंडिंग राउंड क्लोज किए थे अक्टूबर पे. ये कितना लिया आप? 3 CR के लिए. एट व्हाट वैल्यूएशन? एट 18 CR. किससे लिए? कोरोमंडल इंटरनेशनल, which is a subsidiary of Murugappa Group. Is it a strategic partnership? At this point, nothing on the talks, but we know and we are just discussing what could be done. Ye agriculture devices exactly bikti kaise hai? Through tractor dealers and agri equipment dealers honge. Aur aap bhi dealers ke through bechoge? One of the reasons we partnered with Murugappa Coromandel Fertilizer is so that they act as our sales partners. आपको मैंने पहले पूछा, आपने बोला कोरोमंडल कुछ स्ट्रेटेजिक नहीं, आप बोल रहे हो उनका डीलरशिप आप यूज करेंगे, तो इट इज नॉट येट पक्की, बट दैट इज इन टॉक्स. आप इसको के स्केल पे बहुत कम प्राइस कर सकते हो? एब्सोल्युटली. कितना कर सकते हो? आवर टारगेट प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट इज अबाउट 90,000 रुपीस. जो 1.9 लाख का है. Yes. वो आएगा 90,000 का. Yes. स्केल कितना चाहिए होगा 90,000 तक आने के लिए? We'll have to do it in above 5,000 units. 5,000 units a month? Per annum. उस पे क्रॉस मार्जिन कितना होगा? We can easily get till 35%. भाई साहब ये बात ठीक है कि आपका प्रोडक्ट और पैशन सॉलिड है, लेकिन मुझे बिजनेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन. क्यों इस चीज पर आप सॉफ्टवेयर लगा के फार्मर को 1 लाख में बेचेंगे? मेरे समझ के बाहर है. अगर करना ही है तो ऐसे करो कि हर फार्मर इसको अफोर्ड कर पाए. रेंटल की जो आप बात कर रहे हैं वो तो रेगुलर फार्म मशीनरी पे भी आज वही मॉडल पे रेंट हो रहा है. तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट मॉडल. तो आई एम सॉरी लेकिन बिजनेस नहीं दिख रहा है. सो आई एम आउट. गुड लक. It's too early for me to trust you. PMF is not yet discovered. बहुत महंगा है farmers के लिए. काम आपने अच्छा करा है farmers के लिए, but क्या ये proposition ठीक है? ये पता नहीं है. It's too early. All the best. I'll be out. Cap table बताओगे आपका? I own about 67% in the company. Coromandel International, they own about 16.53. And उनके पास board seat है? और अर्लियर इन्वेस्टर्स जो इंक्यूबेशन फंड दे चुके हैं उनके पास रफली 10% है. एंड विद द टीम देयर इज अबाउट 5% लेफ्ट. कितना इन्वेस्ट किया अर्ली इन्वेस्टर्स? IIIT, ISB, बिट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट, सब मिला के रफली 95 लाख. 3 साल में कितना बड़ा आप स्केल सोचते हैं आप पहुंच पाएंगे? 3 years नहीं, but in 5 years we think there would be an annual sales of about 30,000 units. 300 crores का बिजनेस होगा? Yes. अभी आपका प्रोडक्ट कब तक आप समझते हैं लॉन्च हो जाएगा? By the end of this financial year, we already have some orders for about 15-20 units. Which will be shipping. Currently manufacturing हो रहा है उनका. तो आप कह रहे हैं इस साल के एंड तक आप 60-70 लाख की रेवेन्यू पे एंड करेंगे ऑलरेडी? Yes, yes. और आपका खर्चा कितना बैठेगा? 40+. तो आप कह रहे हैं इसी साल आप जो है EBITDA लेवल पे ब्रेक इवन कर जाएंगे? Unless we invest in a little bit more R&D. तो ठीक है आप मान लीजिए पूरा भी इन्वेस्ट कर दें तो बहुत ज्यादा नुकसान आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? Correct, correct, correct. जो मैक्सिमम फार्मर्स के लोन्स होते हैं उसका सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन एक्चुअली ट्रैक्टर से होता है. तो उस कारण से ट्रैक्टर इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फॉर द फार्मर कि अगर उससे उनको प्रोडक्टिविटी नहीं मिले तो उनकी कमाई में तकलीफ होगी. तो उस कारण से मैं और नमिता जी साथ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस बिजनेस में. हमें ये भी लगता है कि मुरुगप्पा एक अच्छा पार्टनर है, उनके साथ में मिलकर के बिजनेस बनाने में हमें बहुत मजा आएगा. तो हम आपको ऑफर देंगे प्रीवियस वैल्यूएशन पे 4% के लिए हम आपको 72 लाख का ऑफर देंगे. जो कि इनकी आस्क थी. सेम सेम आस्क. त्रिविक्रम, इसका प्राइस एक बड़े ट्रैक्टर के प्राइस से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट काफी कूल प्रोडक्ट है. अभी इसमें प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट करना कि ये टू कूल है या टू कूल फॉर स्कूल है, चलेगा कि नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है. एंड आपको एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है, सो कंग्रेचुलेशंस. एंड आई होप आपका लोगो भी थोड़ा फॉन्ट टेस्ला से इंस्पायर्ड लग रहा है, तो आई होप आप भी इलॉन मस्क की तरह काफी एक जनरेशन ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट को इंस्पायर करें. Congratulations, I'm out. बताइए क्या दुनिया भर में आपके टूल्स को लेकर के जाएं क्या? डील पक्की. All right, congratulations. Thank you.
थैंक यू। लवोटिका, ओ गॉड। ये आप बताइए ना, आपकी अभी शादी हुई है? मुझे क्या पता। गैस, इतने होशियार हो, इतना बड़ा टर्नओवर वैल्यूएशन बनाया गैस। हाँ थोड़ा बताओ। चाक्स, जब भी आप किसी चेयर पर बैठते हैं या अपने बिस्तर पर सोते हैं तो क्या हमेशा एक ही पोजीशन में रहते हैं? नहीं ना, क्योंकि एक ही पोजीशन में रहने से आप बोर हो जाते हैं और पोजीशन चेंज करना, पोस्चर चेंज करना हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ठीक वैसे ही इंटीमेसी के दौरान सिर्फ एक या दो पोजीशन से क्या हम बोर नहीं होंगे? और आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई नई पोजीशन सजेस्ट भी कर दी तो आप उसे ट्राई कैसे करेंगे? अपने ट्रेडिशनल बेड पर, अपने हॉल की आम चेयर पे या फिर घर के उस गरीब झूले पर? ये सभी प्रोडक्ट्स इंटीमेट एक्टिविटीज के लिए नहीं बने हैं जो आपको अलग अलग पोजीशंस को एक्सप्लोर करने में मदद करें। इसीलिए फर्नीचर रेंज में सेक्सुअल फर्नीचर कैटेगरी की सख्त नीड है, क्योंकि आज कपल्स में लव मेकिंग फ्रिक्वेंसी ड्रॉप होती जा रही है और इसका प्रमुख कारण है स्ट्रेस और वही बोरिंग लव मेकिंग पोजीशंस। इसीलिए इन सभी पोजीशंस के लिए हम फर्नीचर हम लाए हैं लवोटिका में। नमस्ते साक्स, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं अबोहर पंजाब से आया हूँ। मैं फाउंडर हूँ लवोटिका का। लवोटिका में हम लव मेकिंग फर्नीचर बनाते हैं जिसे आप कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं अपनी इंटीमेट एक्टिविटीज के लिए। साक्स, हम सिर्फ सेक्सुअल वेलनेस ही नहीं बल्कि ओवरऑल वेलनेस पर भी ध्यान देते हैं हमारे योगा और मेडिटेशन प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि ये ध्यानम मेडिटेशन सीट, शीश आसना स्टैंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। इसकी शुरुआत मैंने 2019 में की थी और आज तक हम 650 से भी ज्यादा ऑर्डर पूरे कर चुके हैं। लवोटिका में हमारा विजन है अपने कस्टमर्स के लिए इनोवेटिव, लग्जूरियस येट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स सेक्सुअल वेलनेस, योगा और मेडिटेशन के लिए बनाना, ताकि वो एक बैलेंस लाइफ जी सकें। तो अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए आपका साथ और मेरी आस्क है 2 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। तो साक्स, अब अपने ड्रीम मूव्स आसानी से पूरे कीजिए विद लवोटिका। वाह, क्या भाई क्या बात है यार। उच्च विचार। कामा सूत्र से प्रेरित दिलीप कुमार, आपका शार्क टैंक इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शादीशुदा हो? जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ, मैं 39 इयर्स ओल्ड हूँ। तो भाई साहब, ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि आपने ये ठान ली कि लोगों का फर्नीचर बदलेंगे, उनसे हॉल में, किचन में, सब जगह? बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी। मैं बोर्न एंड ब्रॉटम हूँ पंजाब से और मैं एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फिर इसी के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया पावर सेक्टर से और 10 साल करीबन जॉब करने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्या कमाते थे 10 साल पिछली? एंड में आपकी सैलरी क्या थी जब पावर सेक्टर में छोड़ा? एंड में मेरी सैलरी थी 1 लाख रुपीज पर मंथ। अरे वाह। उसके बाद मैंने पावर सेक्टर में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विसेज का काम करते थे। पर वो रिन्यूएबल कंपनी अभी चल रहा है कि वो आपने छोड़ा? रिन्यूएबल चल रहा है। वो आप ही का बिजनेस है? जी जी, मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है लिवसोल नाम से है। तो लिवसोल में आप सोलर पावर करते हो? या हम अपने प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वर्टर्स और बैटरीज, करीबन 3 से 4 CR का हम बिजनेस करते हैं साल का। जी। और फायदा कितना होता है उसमें? फायदा उसमें अनुपम कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 10-15% निकाल लेते हो? Less than 10% रहता है। अच्छा, तो आप दो बिजनेस अभी साथ चला रहे हैं? जी, एक पावर बिजनेस और ये। मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी कंपनी में ये ब्रांड स्टार्ट किया और अभी इसको हम इस फाइनेंशियल ईयर से इस ब्रांड के लिए हम नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। दिलीप जी, आपकी वेबसाइट देख सकते हैं? जी। एंड सारी सेल्स वेबसाइट से हो रही है आज की तारीख? अमेज़न और हमारी खुद की वेबसाइट से हो रही है। कॉल प्रीव्यू।
क्या है इन्वर्टर्स? ये मैंने बताया कि हमने अपने इन्वर्टर इस पे अभी डाल रखे हैं, बट अभी अलग करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, ये क्या क्या है? सबसे पहले हम मेडिटेशन सीट की बात करते हैं। ये मेडिटेशन सीट है, देखो इस तरीके से बैठा जाएगा, ऊपर बैठ गए या ऊपर ही बैठना है? नहीं ये तो अच्छा है, ये तो मेरे दिन। नो नो, यू नीड रेस्ट फॉर योर बैक। एक्चुअली इट्स नॉट फॉर बैक, ये है आपके पैरों के लिए। जब हम सुखासन में बैठते हैं सही है। तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, 5 से 10 मिनट के बाद हमारा जो है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होने लगता है। ये उसी के लिए है, आप घंटों तक बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं इस सीट पे बैठ के। ये भी मेडिटेशन के लिए है। जफू है, ये जबुटन है, ये बोलस्टर है। बोलस्टर के अंदर जो इनसाइड मटेरियल है वो बकव्हीट हल्स है। जैपनीज में बकव्हीट हल्स को बेसिकली जो अपना ये हीट रेगुलेट करने के लिए काम आता है, और हमारी जैसे हम नॉर्मल कॉटन पे बैठते हैं और नेक और उसके लिए इजी रहता है, उसके लिए कंफर्ट रहता है और स्लीप के लिए बेटर रहता है। ये जो सीट है ये है शीश आसना के लिए, सिंपल। तो इसमें हमने ये बीच में कुशन भी दिया है, जो आप नॉर्मली घर पे रेस्ट के लिए इसको बैठ सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बॉस ये चेयर सही है। अनुपम उस पे बैठ के दिखाओ, वो पिंक वाले। तो इसमें कैसे बैठते हैं आप? यूजुअली आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप इस पे रिक्लाइनर, या इस पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, इस पे आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, इस पे आप टीवी देख सकते हैं, इवन बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। पर ये लव मेकिंग के लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं है, ये हमारे बॉडी के हर एंगल पे सपोर्ट करता है, नीज, नेक और बैक, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीमेसी के दौरान। ते जो 650 यूनिट बेचे, उसमें से कितने मेडिटेशन और योगा के हैं और कितने ये लव मेकिंग के? 650 में लगभग 50% हमारे ये काउच हैं। ये इस स्पेशल पिलो के साथ ही आता है? पिलो अलग ले सकते हैं इसमें। पिलो जस्ट फॉर रेस्ट के लिए है, कि आप हमारा लिविंग रूम में अगर आपने काउच रखा है तो आप इजीली उस पे बैठ सकते हैं, क्योंकि रिक्लाइनर हर टाइम जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आपने बताया ये लिविंग रूम में लगा दो जी पिलो के साथ, तो अगर कोई मेहमान आए आपके घर जी, कोई बुआ, कोई नानी, कोई चाची, और पूछ सकती है कि ये क्या है, तो आप क्या बताएं? एक रेस्ट लाउंज बता सकते हैं कि रेस्ट करने के लिए लाउंज है। भाई साहब आप रेस्ट लाउंज तो बता सकते हैं, मेरी एक बात पे गौर करो, आपने एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में अपने सेक्स लाइफ में फिर से मिर्ची तड़का लगाया। अगले दिन आपकी नानी आई, आप घर पे बैठे हो, चाची आई और वो वहीं लेट गई, और आप वहाँ बैठे हो, आप देख रहे हो नानी को, चाची को, आप क्या सोच रहे हो? जी अनुपम, ये बात बताओ मेरे, कभी यूज नहीं करेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो ये आप बोले जा रहे हो कि यहाँ लगा लो, कोई बात, एक कमाल की बात करते हो यार, सबकी नियत खराब करोगे आप, परिवार का परिवार तोड़ोगे आप। नहीं, ये परिवार जोड़ने के लिए है, अनुपम तोड़ने के लिए नहीं है। कहाँ यार, आपका सेल्स बताए, 650 यूनिट। ये साल हम अराउंड 1 CR में एग्जिट करेंगे। 1 CR, अच्छी बात है। और प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट है वो अराउंड 80% है, और नेट? नेट 30-35%। भाई 30 लाख यहाँ से निकाल लोगे, इससे बेटर क्या हो सकता है बॉस? प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 9 लाख से 60 लाख, इसीलिए इसकी स्केलेबिलिटी के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए। यहाँ पे बहुत सी कंपनियां आई जी, इंटीमेट क्लोथ्स, इंटीमेट फर्नीचर, ठीक है, इंटीमेट अगरबत्ती, आप इंटीमेट के आगे कुछ भी लगा लो, यहाँ आई हुई है कंपनी। अभी सब में हमने ये समझा कि मार्केट बहुत ही छोटा और महीन है, स्पेशली इन इंडिया, और सब में हमने ये भी समझा कि इसको ब्रांड बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक शौकिया तौर पे खरीदा जाता है जी। आपको क्या लगता है भाई, क्यों इसमें बिजनेस बनेगा और मार्केट साइज कितना बड़ा है? इंडियन अगर सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो करीबन इस टाइम 8,000 करोड़ रुपए की मार्केट है, और योगा और मेडिटेशन की। सर उसमें तो पूरा कॉन्डम्स का ही बिजनेस है ना? करेक्ट। और आपके पास तो 4 ही SKU दिख रहे हैं, और सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री में सेक्सुअल फर्नीचर को डालना थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। यस, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये कैटेगरी क्रिएट करने की जरूरत है, और आगे आने वाले टाइम में
ये फर्नीचर बहुत बिकने वाला है। दूसरा रितेश, होटल एंड रिजोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए इसका बहुत स्कोप है। देखिए, एज अ फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट शार्क को चुने। दो शार्क्स के पास यहाँ बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्टीज है, नमिता विनीता। एक है अनुपम, जो रियली विजनरी है। विजनरी, हम उनको लव गुरु बुलाते हैं प्यार से। दूसरे हैं रितेश जी, जो दिल खोल के पैसे बांट रहे हैं इस, और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बांट रहे हैं। एक्चुअली द रियलिटी इज कि मैं आपकी इसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। एसकेयूज भी बहुत कम है, 1 करोड़ से तो कुछ बनेगा नहीं। आई डोंट थिंक इसमें आपका बिजनेस बनेगा, तो इसलिए आई एम आउट। दिलीप कुमार जी, सही है, बढ़िया, मस्त पैसा कमा रहे हो। मेरा बस एक सजेशन है, ये योगा के और मेडिटेशन के प्रोडक्ट्स अलग कर दो, और ये लव गुरु के प्रोडक्ट्स अलग कर दो, ताकि तो लो अलग मार्केट को आप अलग से कैटर कर सको। जी, जी, मैं भी आउट हूँ इससे। 2 करोड़ रुपए आपने मांगे भी बहुत ज्यादा है। नहीं तो दे देता मैं। 1.8 मांगा होता तो। देखिए, योगा बिजनेस के अंदर में जैसा अमन भाई बता रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने बताया भी कितना बड़ा टाइम है, 50% बिजनेस भी आपका उसी से आ रहा है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए जहाँ पे आपको बिजनेस बन रहा है। इस सेगमेंट में जहाँ पे कई और चीजों में कैटेगरी बन नहीं पाई है, आप एक और एडिशनल सेगमेंट पे जाने की कोशिश करें, जो मुझे लगता है थोड़ा कठिन है, पर इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, उस कारण से मैं बाहर। ठीक है भाई, 3 शाक आउट है। हाँ। नीता स्टिल कंसीडरिंग। दलीप जी, आपने शुरू में बोला पिछले 20 साल में लव मेकिंग 10 गुना कम हो गई है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जी, एंड हो सकता है ये बात सही है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती कि उसका सल्यूशन है ये सेक्सुअल फर्नीचर। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, मार्केट जो है वो सही है, सल्यूशन एकदम ही इररेलेवेंट है, बिल्कुल ही मेड अप है। तो आज मुझे नहीं लगता कि इसमें आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, उस वजह से आज मैं इससे आउट हूं। चलो भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसमें बिजनेस बनाओगे। सबकी यही राय है, और मेरी तो ये भी राय है कि देखो, एक महीन मार्केट के अंदर उससे भी महीन धंधा तो और भी मुश्किल हो जाता है। और जब तक लव फर्नीचर की बारी आई कि आपकी शादी, आपकी रिलेशनशिप वहाँ तक पहुँच गई है कि आपको ये फर्नीचर की ज़रूरत है जी, तो भाई लेट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है ना। तो इस कारण से मैं भी आउट हूँ। गुड लक, ऑल द बेस्ट, कीप द पावर ऑन। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क, यू नो द ड्रिल। आप पूछते हो सवाल और आपके सवाल हम पूछते हैं शार्क से। आज हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं मैन ऑफ स्टाइल एंड फाउंडर ऑफ शादी.com, मिस्टर अनुपम मित्तल। सर वेलकम। थैंक यू सर। सर सवाल काफी इंटरेस्टिंग, तो सर सूर्य प्रसाद चेन्नई से वो पूछना चाहते हैं कि एक बिजनेस डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू असर्टिव मैनर में कैसे पुट फॉरवर्ड करना चाहिए। सूर्य कुमार, अच्छा सवाल है, और काफ़ी लोग ये बात को लेके स्ट्रगल करते हैं कि मीटिंग्स में या बिजनेस डिस्कशन में हाउ टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस। और यू नो, मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ में ज़्यादा सोचो अगर आप, तो और पिसल जाओ। ओके, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा वो मीटिंग में या बिजनेस डिस्कशन में, तो अपने आप असर्टिवनेस डेमोंस्ट्रेट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली अपनी पॉइंट पुट अक्रॉस कर पाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है, स्पेशली शुरू शुरू में जब आपकी कॉन्फिडेंस लो हो, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन से पहले सबसे ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। मतलब यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वहां पर क्या बातें होंगी, किस विषय में बातें होंगी, किस दिशा में बातें जाएंगी, अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे जी, तो आप में कॉन्फिडेंस जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप अपनी बात अक्रॉस कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वन शुड फोकस ऑन, एज अपोज टू हाउ शुड आई बी असर्टिव। असर्टिवनेस अपने आप आएगा। सर वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आई थिंक पहले तो आपको अपने कॉन्टेंट पे, बेसिकली आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
और फिर आपको उसी चीज को बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट करना होगा एंड आई थिंक जॉब इज इफ यू आर प्रिपेयर्ड जी यू विल बी असर्टिव जी अगर आप मीटिंग में डिस्कशन में चले गए और आप में सेकंड थॉट्स आए और सेल्फ डाउट्स आ गए कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ आपकी पर्सनैलिटी चुपचाप टाइप की है तो आप नहीं एक कदम ले पाओगे लेकिन आपको अगर पता है मैं सही हूँ और बाकी सब शायद नहीं है तो यू विल बी एबल टू गेट योर पॉइंट सूर्य प्रसाद थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इससे मुझे भी बहुत फायदा हुआ कि अपने कंटेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसे ढंग से पेश करना चाहिए बेसिकली कॉन्फिडेंस इज द की राइट अदरवाइज मैं तो सर हाथ जोड़ देता था कि प्लीज मुझे दे दो ऐसे मत करो है ना मैं तो रोने से लग जाता बट अच्छा कि आपने सवाल पूछा इससे मुझे भी काफी क्लैरिटी मिली थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एक नए सवाल और एक नए शार्क के साथ